दोस्तों हम सभी जानते हैं कि सुशांत सिंह राजपूत के केस में एक शख्स है जो कि हर चीज़ जानता है, पर वो अपना मुंह नहीं खोल रहा, या फिर हम ये कह सकते हैं कि उसका अब तक कोई मुंह खुलवाने वाला सामने ही नहीं आया है। एनसीबी को सिर्फ इस बात से फ़र्क पड़ता है कि आखिर सिद्धार्थ पिठानी ने ड्रग दिया था या नहीं दिया था सुशांत सिंह राजपूत को। एनसीबी सिर्फ इतना काम करेगी और सिद्धार्थ पिठानी को छोड़ देगी। ये सारा काम है सीबीआई ऑफिसर्स का। सीबीआई को ये पता लगाना चाहिए कि आखिर सिद्धार्थ पिठानी ने आखिर क्या कुछ छुपाया है अब तक। सिद्धार्थ पिठानी को अब तक सीबीआई ऑफिसर्स ने एक बार भी नहीं बुलाया है पूछताछ के लिए, और सबसे बड़ी बात है ये, आखिर सीबीआई ऑफिसर्स को क्या दिखाई नहीं दे रहा कि उन आखिरी वक्त में सिद्धार्थ पिठानी ही सुशांत सिंह राजपूत के साथ था। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि सिद्धार्थ पिठानी ने सुशांत सिंह राजपूत के दाह संस्कार की तस्वीरें ली और किसी को भेज दिया। जी हाँ दोस्तों, ये एक ऐसी खबर है जिसे अब तक कोई नहीं जानता था, पर एक सुशांत सिंह राजपूत के फैन ने इस बात का खुलासा कर दिया है। उसने बताया कि सिद्धार्थ पिठानी ने एसएसआर की लटके हुए तस्वीर एक भी नहीं ली है, और ना ही उसने कोई भी ऐसी तस्वीर ली है जिससे ये दिख सके कि सुशांत सिंह राजपूत ने सचमुच सुसाइड किया था। तस्वीरें कहाँ हैं वो सारी जो कि सुशांत सिंह राजपूत लटके हुए थे उस दौरान? आखिर सुशांत की तस्वीर क्यों नहीं ली गई, जबकि बताया जा रहा है कि जब सुशांत लटके हुए थे उस हालत में 25 से 30 मिनट उन्हें लटका हुआ छोड़ा गया था। जी हाँ दोस्तों, जब पुलिस ऑफिसर्स आए थे उसके बाद उन्होंने कपड़ा काट कर सुशांत को नीचे उतारा था, तब तक 10 से 15 मिनट का वक्त था सिद्धार्थ पिठानी के साथ केशव के पास नीरज के पास। आखिर उन लोगों ने सुशांत की ऐसी तस्वीर क्यों नहीं ली? सिद्धार्थ पिठानी ने नहीं ली, नौकरों में से तो किसी को लेना चाहिए था। पुलिस ऑफिसर्स भी जब घर के अंदर गए तो उन्हें सबसे पहले स्पॉट किया गया था जिस तरीके की तस्वीर थी, सबसे पहले उन्हें वो तस्वीर लेनी चाहिए थी। शक पैदा करता है, तस्वीरें कहाँ हैं? सिद्धार्थ पिठानी ने माना है कि 8 जून को कुछ लोग सुशांत सिंह राजपूत के घर पर आए थे। जी हाँ दोस्तों, इस बात को सिद्धार्थ पिठानी ने मान लिया है। दिशा की इस दुनिया से चले जाने की खबर सुनकर सुशांत सिंह राजपूत बेहोश हो गए थे, इस बात को भी सिद्धार्थ पिठानी ने मान लिया है। उसे सुशांत सिंह राजपूत को अपनी जान का डर था, सिद्धार्थ पिठानी ने यह भी मान लिया है। सुशांत सिंह राजपूत बहुत ही ज़्यादा डर गए थे 8 तारीख के बाद से, तो आखिर डरे हुए सुशांत को रिया चक्रवर्ती क्यों छोड़कर चली गई, जबकि रिया का कहना है कि सुशांत उनका प्यार थे। ऐसे में सिद्धार्थ पिठानी और रिया चक्रवर्ती सुशांत सिंह राजपूत को अजीबोगरीब दवाइयाँ क्यों देते थे? दोस्तों ये सब चीज़ें देखकर ये साफ हो जाता है कि सिद्धार्थ पिठानी रिया चक्रवर्ती हर चीज़ जानते हैं। आखिर उनके खिलाफ सीबीआई ऑफिसर्स कोई कार्रवाई क्यों नहीं कर रही है? आखिर इन्हें नज़र क्यों नहीं आ रहा कि सिद्धार्थ पिठानी के साथ सुशांत सिंह राजपूत के साथ गलत हुआ था? दोस्तों अगर आप भी सुशांत के फैन हैं तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि ऐसी ही इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल वीडियोज आप कभी भी मिस ना कर पाए। दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से जो कुछ भी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दिया वो हमें सोशल मीडिया के माध्यम से प्राप्त हुई है। इस बात में कितनी सच्चाई है इसका पुष्टिकरण हमारा चैनल नहीं करता है, और ना ही किसी भी तरीके की अफवाहों को फैलाना हमारे चैनल का उद्देश्य है। आपका कीमती समय देने के लिए हमें धन्यवाद।